आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है इम्यूनिटी बूस्टर वाला मूंग दाल। देख लीजिए क्या क्या लगेगा। ये मूंग दाल है जिसको मैंने कढ़ाई में रोस्ट कर लिया है बिना घी के। ये है हल्दी, ये है नमक, एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन, धनिया पत्ता और ये नींबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये दाल डाल देंगे, उसमें एक ये लहसुन डाल देंगे 4-5, फिर हम ये प्याज काट के डाल देंगे, पतला पतला काट के डालना है। बहुत ही लाजवाब पौष्टिक दाल है ये, कोरोना में ये बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो देखिए मैंने प्याज पूरा काट लिया है, इसी तरीके से मैं टमाटर भी काट लूँगी इसमें। अब इसमें मैं नमक स्वाद अनुसार, वो बाद में बैलेंस हो जाता है अगर कम है तो, फिर ये हल्दी, उसके बाद ये बड़े गिलास से पूरा गिलास पानी अब मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको ढक्कन लगा के हम लोग एक सीटी का वेट करेंगे और उसके बाद हम 3-4 मिनट गैस को कम कर देंगे। तो देखिए मैंने चढ़ा दिया है एंड जस्ट वेट फॉर 1 विसल। अब मैंने गैस को कम कर दिया है, उसके बाद ठंडा होने पे, ये देखिए 5 मिनट बाद ठंडा होने पे दाल की ये कंडीशन है जिसमें आपको प्याज भी हल्के हल्के दिख रहे होंगे। और इधर बीच मैंने ये 10-12 कलियां लहसुन को काट लिया है, इसी में मैं जीरा डालूंगी और घी लगा के तड़का इसमें लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इसी बीच मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इस फ्राइंग पैन को डालूंगी गैस पे दाल को छौंकने के लिए, जो मैंने छौंकन को तैयार किया है। लहसुन आप जितना चाहें उतना डालिए, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देखिए जीरा, हरी मिर्च जो खाते हैं वो भी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। और ये देसी घी। इससे जब तड़का तैयार होता है, जब लहसुन पकता है, जब जीरे की खुशबू आती है, तो मैं बता नहीं सकती कि क्या माहौल हो जाता है किचन का। ये देखिए अब लहसुन भी पक के तैयार हो गया है, जलाना नहीं है, सिर्फ लाल करना है। अब स्मार्टली दाल के प्रेशर कुकर वाला जो है इसमें आराम से रख के और ढक्कन को लगा देंगे। गैस मेरी अभी ऑन ही है लेकिन बिल्कुल लो पर है। तो अब जो उस फ्राइंग पैन छोटे से वाले में जो मेरा छौंकन का मटेरियल रह गया है उसको भी मैं सारा उसमें डाल दूंगी। देखिए बच गया है ना, तो इसको वेस्ट नहीं करना है अपने को सारा। ये देखिए करछुल से मैं ये पूरा निकाल दूँगी। ये देखिए इससे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और एक बार ज़रूर से आप लोग इसको बना के देखिए, बनाते ही होंगे, एक बार इस तरीके से भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अब हल्का सा मैं इसको चलाऊंगी और इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दूंगी। और फिर से मैंने देखिए दोबारा से धनिया पत्ता जो बचा हुआ था वो सब डाल दिया है। धनिया पत्ता की खुशबू इस दाल में किसी में भी बहुत अच्छी लगती है एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट बाद हमारी दाल का क्या हाल है। ये देखिए क्या खुशबू आ रही है, मैं पहुंचा नहीं पा रही हूँ आपको, लेकिन मैं खुद इसकी खुशबू का आनंद उठा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मूँग की दाल इम्यूनिटी बूस्टर वाली बनके रेडी है। अब देखिए मैं इसमें एक और हाईली इम्यूनिटी बूस्टर वाला चीज़ डाल रही हूँ, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, मैंने इसमें नींबू निचोड़ा है। लीजिए तैयार हो गई ये दाल। वेजिटेरियंस वालों को बहुत हेल्प करेगा इम्यूनिटी को बढ़ाने में। और इसको आप लोग खाइए, खिलाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए कि आपको कैसी लगी ये मेरी इम्यूनिटी बूस्टर वाली दाल। पसंद आएगा ये मेरी रेसिपी तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।
बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।